हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंदर मौर्य। चलिए अभी देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, हमारे सेटअप्स ने किस तरीके से वर्क किया और मैंने कहां पर ट्रेड लिया। आज का जो मार्केट था, आज मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट था। जितने लोगों ने मेरे कल की एनालाइज का वीडियो देखा होगा, उन लोगों ने आज यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट्स यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर कमाया होगा। मैंने जो कल का वीडियो का क्लिप था वो मैंने आज सुबह भी शेयर किया हुआ था, और जितने लोग कल नहीं देखे थे वो आज सुबह भी अगर देखेंगे तो भी अच्छा प्रॉफिट्स अर्न किए होंगे। और इसके अलावा भी मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया हुआ था, अप्रॉक्स क्या कहते हैं 8:44 के आसपास ही मैंने आप सभी के पास वहाँ पे वो वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ था। और नीचे मैंने वहाँ पर मेंशन भी किया हुआ था कि ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स को मार्क लेना ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पर आई थिंक बहुत कम ही लोगों ने मार किया, अप्रॉक्स यहाँ पे 5 to 10 लोगों ने ही मार किया, और 5 to 10 लोगों का ही मेरे पास आज स्क्रीन शॉट आया है। तो बहुत अच्छा लगा जितने लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड लिया, बहुत अच्छा सा प्रॉफिट्स अर्न किया हुआ है। आगे भी आप लोग ऐसे प्रॉफिट्स करते रहिए, ठीक है, मैं आप सभी के साथ ऐसे लेवल्स को शेयर करता रहूँगा। अभी सीधा वीडियो पर आते हैं। कल मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि यहाँ पर ये नीचे मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ पे बार बार यहाँ पे ये ट्रेड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर से यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पर एक पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सबसे मेन आप आज यहाँ पर ये हो जाता है कि मार्केट की ओपनिंग, अगर आप सभी देखेंगे मार्केट जहाँ पर ओपन जो हुआ, मार्केट यहाँ पे बीच में मतलब इसी रेंज में ही ओपन हो गया। अगर यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन इसकी यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाता तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड लेने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, पर मार्केट की यहाँ आज जो ओपनिंग थी, ओपनिंग बहुत ही अच्छा हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ बीच में, जहाँ पे ओपन हुआ यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया और नीचे की तरफ आया, और यहाँ पे इस लेवल के पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कैंडल बना दिया, डोजी टाइप का यहाँ पे कैंडल बना दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो ये सेकंड कैंडल बना हुआ, सेकंड कैंडल यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनसाइड कैंडल बन गया। फिर जैसे यहाँ पे ये सेकंड कैंडल बन गया ना, तो मैंने यहाँ पे कैंडल्स के साइकोलॉजी को थोड़ा सा रीड किया, और उसके बाद मैंने तुरंत ही यहाँ पर ये सेकंड कैंडल, जैसे मुझे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल दिखा तो मैंने यहाँ पर तुरंत ही अपना ट्रेड यहाँ पर ले लिया। मैंने जो अपना यहाँ पे पुलबैक स्ट्रेटजी का जो यहाँ पे ट्रेड नहीं, पुलबैक स्ट्रेटजी का जो मैंने सेटअप बताया हुआ था, जो फिबोनाची के अकॉर्डिंग मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था, मैंने उसके अकॉर्डिंग नहीं लिया। मैंने यहाँ पे आज थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी इसलिए यहाँ पे मेरा थोड़ा सा प्रीमियम भी यहाँ पे डिके हो गया। जब यहाँ पे मैं इंटर हुआ था, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया हुआ था, इस लेवल के पास जब यहाँ पे मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा था, उसमें मैंने आप सभी के पास टेलीग्राम चैनल पर एक पोल भी डाला हुआ था कि क्या लगता है कि मार्केट रिवर्स करेगा या नहीं। तो 60% लोगों ने वहाँ पर आंसर दिया था कि हाँ मार्केट यहाँ पे रिवर्स करेगा, और 40% लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया था कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव कर जाएगा। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मार्केट यहाँ पे क्या था, ट्रेड लाइन, ये जो नीचे यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया पहले, सॉरी ब्रेकडाउन किया, इस लेवल के पास आया, तो यहीं पर अपना यहाँ पे पुल बैक स्ट्रेटजी का सेटअप बन जाता है। पर क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से इंटर हो गया, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा प्रीमियम डिके देखने को मिला, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे एसएल तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जब ये वन वे मूव मिलने लगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा यहाँ पे रिटर्न्स मुझे देखने को मिल गया आज के दिन। और अगर आप यहाँ पे जैसा मैंने कल का जो मैंने लेवल्स दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो इंटर किया था सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट्स बना हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट इस लेवल से यहाँ पे नीचे की तरफ आया, तो मैंने यहाँ पर ये जो इन दोनों स्विंग्स को मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और उसके बाद देखिए मार्केट जहाँ से ये रिवर्स किया, देखिए मार्केट यहाँ से जब ऊपर की तरफ यहाँ पे रिवर्स करने लगा, तो अगर आप यहाँ पे कैंडल्स की साइकोलॉजी को थोड़ा सा यहाँ पे समझने का अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो अपने यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होता है वो यहाँ पर एक्टिवेट होता है। जितना कुछ मैंने सीखा है वो सेम वही उसी के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे जैसे अपना ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, तो इस लेवल के पास ही अपनी पोजीशन हम लोग को यहाँ पे बना लेना था, यहाँ पर इसका यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने पर, और एसएल जो हमारा यहाँ पे इस लेवल के पास, क्योंकि यहाँ पे जो अपना यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ पे 50% के पास हुआ था, और एग्जैक्ट वहाँ पे देखने को मिला बहुत अच्छा सा यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे मूव देखने को मिला हुआ। और मैंने अभी पिछले वीक ही यहाँ पे जो अपना यहाँ पे फिबोनाची स्ट्रेटजी उसका मैंने बैक टेस्ट करके भी रिजल्ट भी आप सभी के साथ शेयर किया हुआ, जिसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले थे। अगर आप लोग मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियसली लेते होंगे, तो अच्छा सा प्रॉफिट्स आज आपने यहाँ पर बनाया होगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूव था, पूरा यहाँ पे जैसा एनालाइज था उसी के अकॉर्डिंग था, कोई भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं था। और हाँ, अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पर इस लेवल के पास यहाँ पे ये ट्रेड मिस हो जाता है, फिर भी यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे री एंट्री का यहाँ पर चांस मिला हुआ था। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिबोनाची को, यहाँ पर री एंट्री का चांस मिला हुआ था। अगर आप ये स्विंग यहाँ से जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेकर नीचे की तरफ मूव किया हुआ था, और यहाँ पर ये जो यहाँ पे कैंडल की जो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे विक आया हुआ है, यहाँ तक स्पाइक लगाया हुआ, वहाँ तक अगर देखेंगे तो
तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर एक री एंट्री का यहाँ पे चांस मिला हुआ है। देखिए आप यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ये इस लेवल से मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक होल्ड कैंडल देखने को मिला और उसके बाद फिर से यहाँ पे मार्केट यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ पे नीचे की तरफ मूव दिया हुआ था। तो आज आपको यहाँ पे दो लेवल्स यहाँ पे एंट्री का यहाँ पे मिला और यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड था। मैंने यहाँ पर जो यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर किया हुआ है वो यहाँ पर इस लेवल के पास ही मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया था और इसमें मैंने यहाँ पर 200 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने यहाँ पर जहाँ तक मूव किया हुआ है, ये प्राइस ने मतलब मूवमेंट कहाँ तक किया हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा अगर आपको क्या कहते हैं प्राइस एक्शन अगर आपने सीखा हुआ तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ये रेंज बना हुआ है, अगर आप इस रेंज को यहाँ पे क्या कहते हैं प्रिडिक्ट करेंगे, मेज़र करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कितने पॉइंट्स का ये रेंज था, यहाँ पर ये 383 पॉइंट्स का ये रेंज था। अगर यही जहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट 380 के पास से ही मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स किया हुआ है। तो प्राइस एक्शन सीखने का यही थोड़ा सा फ़ायदा रहता है कि हमें क्या होता है थोड़ा सा जो कि हम टारगेट कहाँ तक रखें वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पर क्योंकि जब आपको यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट्स मिल जाता है तो इसको थोड़ा सा होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि आज के दिन हमारे सेटअप्स ने किस तरीके से वर्क किया। जो हमारा यहाँ पे सेटअप देखेंगे, जो हम लोग को यहाँ पे जो ट्रेड मिला हुआ है वो यहाँ पर एक ट्रेड मिला हुआ है 5 MA+ RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर मिला हुआ है और उसके पहले भी मिले हुए, पर उन सभी ट्रेड में एसेलेट हुआ है। ठीक है, उन सभी ट्रेड में क्या हुआ, एसेलेट हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 5 MA का जो ट्रेड बना हुआ कहाँ पर बना हुआ और यहाँ पर ट्रेड पर इस लेवल पर इंटर होने का क्यों बनता था। अभी आपको समझ आया, क्योंकि यहाँ पर जितने का मार्केट में यहाँ पर टारगेट था वो टारगेट यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर अचीव कर लिया था, सो यहाँ से रिजेक्शन देखने को। और अगर आपको यहाँ पे समझना है तो ये भी मैंने सिखाया हुआ है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाया हुआ है। ठीक है, आप बस उसको फॉलो नहीं करते। अगर आप यहाँ पे पीछे जाके देखेंगे आ जाएगा, मैंने आप सभी के साथ एक क्या शेयर किया हुआ है, एक स्ट्रेटजी शेयर किया हुआ था 5 MA मॉडिफाइड स्ट्रेटजी, जिसको आप सब लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये रहा, इसको अगर मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। देखने क्या बताया हुआ था उसमें कि मार्केट में जिस लेवल से हमें एक ऊपर की तरफ यहाँ पे शार्प क्या होता है बाइंग देखने को मिलता है, अगर मार्केट वापस से उसी लेवल के पास आता है तो वहाँ से हमें फिर से यहाँ पर क्या होता है एक बाइंग साइड देखने को मिलता है। तो मैंने इसीलिए एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, अब आप देखिए यहाँ पर आइए राइट डस्ट। अब देखिए यहाँ पर मार्केट, देखिए यहाँ पर इसी लाइन के पास हम लोग को जो 5 MA का जो पहला ट्रेड मिला हुआ वो यहाँ पर मिला हुआ, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में कितना अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिला हुआ है। यहाँ से अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स आपको यहाँ पर 150 से ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स को अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं तो इस लेवल के पास से ये और यहाँ से ऊपर जहाँ तक मार्केट ने मूव किया हुआ, यहाँ पर आप देखिए 200 पॉइंट्स तक का यहाँ पर टारगेट हम लोग को यहाँ पे इसमें भी मिला हुआ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ट्रेड को अगर जितना कुछ मैंने सिखाया हुआ उसमें रूल्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर हम लोग को रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। आप लोग चीज़ों को फॉलो नहीं करते, मैंने कल एनालाइज करके दिया था उसको, उस पर सिर्फ कितने लोगों ने देखा है उस वीडियो को, सिर्फ 15 लोगों ने देखा और उस पर कोई भी कमेंट नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलता है ये देखने के बाद। इसलिए मैंने क्या किया, नए जो सेटअप से मैंने उनको शेयर करना बिल्कुल सब बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा रिस्पांस नहीं मिलता जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए। और इस अभी मैंने फिबोनाची का जो सेटअप शेयर किया वो कुछ दिन पहले शेयर किया, एटलीस्ट वो उसको क्या कहते हैं 1 से 2 महीने के बाद मैंने कोई नया सेटअप शेयर किया हुआ है, और फिर उसके बाद मैंने और कोई सेटअप नहीं शेयर किया है। मास्टरिंग 5 MA का जो पार्ट 5 आप लोग बोल रहे थे कि शेयर करने के लिए, अभी मैंने उसको यहाँ पर शेयर कर दिया हुआ अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो मास्टरिंग 5 MA का जो पार्ट 5 है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, आपको इसको जरूर जानना चाहिए। तो मैं आप सभी को जरूर बोलूँगा कि आप लोग हमारे YouTube फैमिली का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे YouTube फैमिली का एक पार्ट्स बन जाइए। ठीक है, जिसमें मैं आपको वहाँ पर गाइड करने के लिए रहूँगा, आपको जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आपका जो डाउट होगा वो डाउट मैं आपको वहाँ पर जरूर वहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं YouTube मेंबरशिप ज्वाइन करके जो हमारा जो मास्टरिंग 5 MA सीरीज का जो पार्ट 5 है उसको आप वहाँ से देख करके मार्केट से अच्छा सा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। उसमें मैं और भी सारी चीज़ें ऐड करूँगा जिसको जो आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन होकर हमारी फैमिली का YouTube फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी 50 में हमारा सेटअप ने किस तरीके से यहाँ पर वर्क। तो निफ्टी 50 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 में जो हम लोग को यहाँ पे पहला ट्रेड बना हुआ था वो यहाँ पर ये जो हमारे सेटअप्स के अकॉर्डिंग जो पहला ट्रेड बना हुआ था वो यहाँ पर 11:55 पर बना हुआ था, जिसमें हम लोग का यहाँ पर एसेलेट हुआ। और उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड बना हुआ है वो यहाँ पर 12:30 के पास बना हुआ, जिसमें हम लोग को यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे
100 पॉइंट्स के आसपास तक यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया हुआ, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। इसमें सिर्फ दो ही ट्रेड बना हुआ है जिसमें हम लोग को अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला, और ये डबल कन्फर्मेशन का ट्रेड था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मार्केट में यहाँ पर एक गैप था, जो मार्केट था यहाँ पे मूव करता हुआ, ये इसी गैप के पास आया हुआ है, और इसी गैप के पास हम लोग को यहाँ पे 5 मिनट स्ट्रेटजी का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिला। ओवरऑल इसमें आज हम लोग को दो ट्रेड मिला हुआ, जिसमें पहले ट्रेड में हम लोग का यहाँ पर एसेलेट हुआ और सेकेंड ट्रेड में हम लोग को यहाँ पर अच्छा से यहाँ पर प्रॉफिट दिया। हम यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी 50 में कल जो वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के दिन हम लोग किस लेवल के पास अपनी पोजीशन को बना सकते हैं कि जिससे हमें एक अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर हम इसमें कल निफ्टी 50 में अगर हम कल कहते हैं 40 से 50 पॉइंट्स भी हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है, वन वे मूव अगर हम यहाँ पर एक कैप्चर कर लेते हैं तो वहाँ पर हमें एक अच्छा सा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि किस लेवल के पास हम अपनी पोजीशन को यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेड लाइन का यहाँ पर नीचे की तरफ ये सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर निफ्टी में भी आ रहा है, जिसका अभी तक यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और बैंक निफ्टी में इस ट्रेड लाइन का आज के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था। और ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जिस जो बार बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जा रहा है, तो इसको हम एनालाइज को यहाँ पे सिंपल से रखेंगे। मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ है इस लेवल के पास, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे नीचे आया, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे इस लेवल के पास आया हुआ, और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव किया हुआ, वापस से मार्केट यहाँ पर इस लेवल के पास आया हुआ। तो अभी हमारा यहाँ पे जो सिंपल से और यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। अभी हमारे पास जो यहाँ पे सिंपल सा जो यहाँ पे एनालाइज है उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। अगर मार्केट कल यहाँ पे इसी लेवल के पास जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, इसी के पास आसपास यहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करता हुआ आता है, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करता हुआ आता है, तो ये इस लेवल से और इस लेवल के पास क्या कहते हैं फिबोनाची का यहाँ पे लेवल से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, और यहाँ पर अगर पुल बैक का यहाँ पर सेटअप बनता है तो यहाँ पे पुल बैक के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटर हो जाना, क्लियर। तो ये पहला लेवल हुआ, और मान लीजिए अगर यहाँ पर इसके बीच में कहीं पर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद मार्केट इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर अपने को पुल बैक का सेटअप देखने को मिलता है, तो इस पुल बैक पर हम यहाँ पर इंटर हो जाएंगे, ठीक है। और सेम ऐसे हम अपसाइड भी यहाँ पर देखेंगे, अपसाइड भी अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर ऊपर की तरफ ये जाकर यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे पुल बैक का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर इंटर हो जाएंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर एक अच्छा सा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको तीन लेवल्स दिया हुआ, एक लेवल ये रहा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, इन तीनों लेवल्स को मार्केट में वॉच आउट करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।